T-90 जैसे रशियन टैंक्स 5 मीटर गहरे पानी को भी पार कर सकते हैं। यूजुअली पानी को पार करने के लिए पेंटून ब्रिज बनाए जाते हैं, पर जब नदी या नाला ज्यादा गहरा ना हो और अगर पानी स्टेबल हो तब इस टाइप से टैंक को ही सबमरीन बना दिया जाता है। क्रू मेंबर्स और इंजन के लिए एयर लेने के लिए इस टाइप के पाइप्स ऊपर दिए जाते हैं। अंदर पानी ना जाए इसके लिए पॉसिबल सारे होल्स को बंद कर दिया जाता है। जब टैंक पानी के अंदर होता है तब ड्राइवर को सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ही सारी ड्राइविंग करनी होती है। ये प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि एक तो टैंक के अंदर पानी भरने का खतरा होता है और इसके अलावा टैंक अपने वजन के कारण पानी के अंदर अटक भी सकता है, और इसीलिए इसे पावर करने के लिए डीजल के साथ साथ वोडका की भी जरूरत होती है।